मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर। देखिए, ये मुल्क जो है ये बड़ा अमीर है हर मामले में, कल्चरली। हमारे पास जितनी ज़बानें हैं और ऐसी ज़बानें जिनकी हिस्ट्री है, जिनका लिटरेचर है, ये किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं है, हमारे पास। हमारी ज़बानों के जो शायर हैं, जो राइटर हैं, वो उस ज़बान के शायर और राइटर तो हैं, लेकिन दरअसल हिंदुस्तान के राइटर हैं। वो गालिब हों, वो टैगोर हों, वो नज़रुल हों, वो निराला हों, वो बशीर हों मलयालम के, ये जायंट्स हैं, मगर ये सब हिंदुस्तान के राइटर हैं। के आर नारायण हिंदुस्तान के राइटर हैं। अलग अलग ज़बानों में इन्होंने लिखा है और ये सारी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं। जैसे उर्दू, ये भी एक हिंदुस्तानी ज़बान है। अक्सर इसके बारे में गलतफहमियाँ होती हैं कि शायद ये कहीं और की है, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान में ही बोली गई और यहीं से वो लोग गए हैं जो अगर दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो यहीं से गए हुए हैं जो बोलते हैं। कोई न्यूजीलैंड से वहाँ नहीं गया है, कोई कीनिया से नहीं गया है, वो सारे हिंदुस्तानी हैं। अब उनकी शहरियत कुछ और हो गई हो जाए, लेकिन उनकी रगों में तो सदियों का हिंदुस्तान का ही खून बह रहा है, इसलिए उर्दू बोलते हैं वो। ये गालिब और उर्दू, उर्दू और गालिब एक बड़ा रिश्ता है यकीनन, और इन दोनों के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। मिसाल के तौर पे जब टू नेशन थ्योरी प्रीच की गई, जिसने हमारे मुल्क को तकसीम कराया, उसमें हर चीज़ के एक वर्जन बना, एक हिस्ट्री का वर्जन बना, एक कल्चर का वर्जन बना, एक हर चीज़ को अलग किया गया। लेकिन अब ये ज़बान जो थी उर्दू, ये तो जिंदा सबूत थी कि टू नेशन थ्योरी गलत है, इसलिए कि ये सचमुच गंगा जमनी कल्चर की पैदाइश है। तो अब इसका क्या करते भाई? ये तो नहीं हो सकता था कि नाउन पाकिस्तानियों को दे लेते और वर्ब हम रख लेते, ये मुमकिन नहीं था। तो इस ज़बान को एक तरफ ढकेला जाना था टू प्रूव द टू नेशन थ्योरी राइट, इसे साबित, ये दो कौमी जो थ्योरी थी उसे सही साबित करने के लिए। ये उर्दू क्या है जो मेरी मादरी ज़बान है, मुझे उस पर फ़ख्र क्यों है कि दुनिया में जितनी ज़बानें हैं, जब उनमें शायरी शुरू हुई है तो हमेशा रिलीजियस पोइट्री शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे टॉपिक आए। उर्दू पहले दिन से सेकुलर ज़बान है, इसमें कोई बड़ा शायर रिलीजियस पोइट नहीं हुआ। मीर अनीस को आप कहिए तो उन्होंने ठीक है जो मरसिए लिखे हैं और जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन का कोई शायर बड़ा नहीं हुआ। जितने बड़े शायर हैं वो एंटी फंडामेंटलिज्म है, एंटी रिग्रेसिव थाट्स हैं, एंटी फंडामेंटलिस्ट थाट्स हैं, एंटी, ये गज़ल के विलन कौन है? गज़ल का मिलन है शेख, जाहिद, मुहतसिब, जो प्योरिटन हैं, जो रिलीजियोसिटी के लोग हैं, वो विलन है गज़ल में। जो अच्छी जगह है उसका नाम है मैखाना, जो गलत जगह है उसका नाम है हरम यानी मस्जिद। सारी शायरी तो इस पे हुई है। जब 1798 में पहली दफ़ा दिल्ली में एक साहब थे, शाह अब्दुल कादर साहब, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया 1798 में, उससे तो 700 साल पहले सिंधी में हो चुका था। तो जितने उलमा थे उस वक्त के, सब ने शाह अब्दुल कादर को कुफ्र का फतवा दे दिया कि इस गंदी नापाक नजिस ज़बान में कलाम मजीद का तर्जुमा कर दिया गया है। तब तक ये उर्दू नजिस थी, गुनाहगार थी, काफिर थी, लेकिन 1857 के बाद जब टू नेशन थ्योरी अंग्रेज ने पुश करना शुरू की, तो 70-80 साल के अंदर इसी उर्दू के दाढ़ी चिपका दी गई और टोपी रख दी गई सर पे, जो के हकीकत नहीं थी। गालिब जिस शायर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा शायर, मतलब मैंने एक मरतबा जब मैं 15 साल का था तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि एक बात बताइए
कि गालिब क्या सचमुच उतना ही बड़ा शायर है जितना लोग कहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उससे बहुत बड़ा है। और ये बात अब हमारे दोस्त ने उमर का हमारा तो खोल ही दिया है राज, लेकिन खैर जो भी है, कब तक छुपाते हम भी। तो ये अब इस उम्र में धीरे 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 मुझ पे आया हो रही है। क्लासिक का क्या खूबी होती है कि वो अपने वक्त में भी जायज़ होती है और एप्लीकेबल होती है, और वक्त गुजरता जाता है लेकिन वो वक्त से पुरानी नहीं होती, लगता आज ही की बात है। यही क्लासिक की खूबी है कि वो कभी पुरानी होती ही नहीं। इतनी सी किताब है गालिब की, चंद हज़ार शेर बस उसने लिखे, उसके मुकाबले में तो मुसफ़ी, मीर, दीवाने चहारम, दीवाने पाँच पाँच छः छः दीवान, इसका एक दीवान है और वो भी एक बहुत मोटा नहीं, बहुत सकीम नहीं है। जिंदगी की कोई उलझन हो, जज्बात का, ख्यालात का, हालात का कोई मोड़ हो, उस पे आपको गालिब का शेर उस किताब में मिल जाएगा। क्या उस आदमी का रेंज है, क्या उसकी सोच है। मैं दो तीन शेर उसके सुनाऊंगा, क्योंकि जबान तो आज तो क्या, उस जमाने भी मुश्किल मानी जाती थी गालिब की, और बहुत से लोग तो कहते थे क्या लिखता है, इसमें तो कोई माने ही नहीं है। जबकि तंग आके गालिब को लिखना पड़ा, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माने न सही। तो उस वक्त जब मुश्किल पड़ती थी तो आज तो बहुत ही मुश्किल होगी। मगर आप देखिए, एक एक शेर ऐसा लगता है कि ये आज का लिखा हुआ है, ये आज की बात है। कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इमका को एक नक्शे पा पाया। वो कहता है कि ओ लॉर्ड, वेयर इज द नेक्स्ट फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, वेयर इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, बिकॉज द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू ओनली वन फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो उसके एक पैर की नाप के बराबर है जो इम्कान की पॉसिबिलिटी की जो जगह है। तो ये कहाँ है, तो आपको ऐसा लगता है ये तो स्पेस में जब चला गया इंसान उसके बाद कहा गया शेर, कि उसने लिखा है कि रश्क है आसाइश अरबाब गफलत पर असद, रश्क है आसाइश अरबाब गफलत पर असद, इस्तिराब दिल नसीब खातिरे आगा है। कि मुझे आई फील एनवियस ऑफ दोज पीपल हु आर टोटली अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, लुक एट देयर कम्फर्ट, लुक एट देयर पीस एंड देयर सॉलेस एंड हैप्पीनेस, हु आर अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, वाइल एन अवेयर माइंड इज डेस्टिन्ड टू हैव डिस्टर्बेंस, टर्मोइल एंड लैक ऑफ पीस। ये आज भी सही है। हम तो ऐसे ऐसे जाहिलों को देखते हैं, कितने सुकून से रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन जो जान रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, वो तो बेताबी रहेगा, वो तो खुद परेशान ही होगा। तो उसने शेर एक कहा है और देखिए, कि हूँ गर्मी निशात तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदली पे गुलशन ना फरीदा हूँ, इफ आई एम अ लार्क एंड आई एम सिंगिंग बिकॉज ऑफ द प्लेजर दैट माई इमेजिनेशन इज गिविंग मी, आई एम द लार्क ऑफ अ गार्डन दैट इज येट टू बी मेड। तो ये आगे की बात, ईमां मुझे खींचे तो रोके, ईमां मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। काबा इज द सिंबल ऑफ ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स। कलीसा जो कि उस वक्त चर्च को कहते हैं, लेकिन उसका मतलब था कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ये मुझे रोक रहा है, कलीसा मेरे आगे है और काबा मेरे पीछे। इस थिंकिंग का आदमी, उसको अगर हम इज्जत देते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि हम कल्चर्ड लोग हैं।
हम सभ्य हैं इसलिए कि सभ्य समाज अपने राइटर्स को इज्जत देता है। आपको एक और बात कहूँ, कुछ लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, और इससे ज़्यादा अजीब बातें मैं आज नहीं करूँगा, वहीं रोक दूँगा। आखिरी अजीब बात, गालिब वॉज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। हिंदुस्तान से बाहर गालिब हो ही नहीं सकता। देखिए, जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनमें खालिक और मखलूक का तसव्वुर है। एक सुप्रीम पावर है, वो हमारी क्रिएटर है और हम उसका क्रिएशन। जबकि वेदांत में खालिक और मखलूक अलग नहीं है, एक है, अहम ब्रह्मा, जिसका सूफीज्म पे भी झलक जिसकी दिखती है अनल हक का नारा। उसमें आप सुप्रीम बींग का ही हिस्सा हैं, अद्वैत क्या है। गालिब का शेर सुनिए, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये थॉट हिंदुस्तान की थॉट है। जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तुजू क्या है। ये ईरान में या अरब में नहीं कहा जा सकता था। जला है जिस्म जहां, कहां जलता है जिस्म, कहां कुरेदी जाती है राख, हिंदुस्तान। ये तो वक्त नहीं है, वरना मैं आपको कितनी मिसालें दूं। गालिब हिंदुस्तान के फलसफे, हिंदुस्तान की तारीख और पर्शियन और मुगल कल्चर के सोफिस्टिकेशन का एक ऐसा बेजोड़ और कमाल का सिंथेसिस है कि जिसकी दूसरी एक ही मिसाल और है, वो है ताजमहल। इसलिए कि उसमें भी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर आके जो यहाँ पर खो गई तहजीबें, यहाँ की हो गई, यहाँ की ज़मीन में बो दी गई, वो मिक्सचर उसका आपको वहाँ भी दिखाई देता है और यहाँ भी दिखाई देता है। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा अद्भुत और बड़ा हसीन इसके नतीजे निकले हैं। इन्होंने गालिब पैदा किया है, ताजमहल बनवाया है। ये कॉम्बिनेशन जाना नहीं चाहिए। अकेले सिर्फ उर्दू या पर्शियन गालिब नहीं पैदा कर सकती थी, और अकेले सिर्फ वेदांत भी गालिब नहीं पैदा करते। ये दोनों मिलके बने हैं। तो ये ग्रेटनेस जो है हमारी, जहाँ हमने बेस्ट ऑफ एवरीथिंग लिया है और उसे हिंदुस्तानी बना दिया है, ये ट्रेडिशन कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो सच ये है कि कभी कभी उर्दू पे भी जो लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब उर्दू के आगे तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ज़बानें बड़ी कमाल की हैं, हमारी ज़बान भी बहुत अच्छी है। मैं तो यूपी में रहता था तो मैं तो हिंदी जानता था, उर्दू जानता था, हम समझते हिंदी उर्दू के आगे ज़बानी कौन सी है। अरे साहब ये यहाँ सुना है बंगाली, थोड़ा बंगाली से हम इम्प्रेस थे। मैं यहाँ आया मुंबई, 19 साल की उम्र थी मेरी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार आके यहाँ प्लेस देखे विजय तेंदुलकर के, मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। हमारे लिटरेचर में ऐसा प्ले नहीं है कहीं। तो हर लिटरेचर जो है कोई ऐसी चीज रखता है। हमारे पास पीएल देशपांडे नहीं है, विजय तेंदुलकर नहीं है, हमारे पास प्रेमचंद है, हमारे पास कृष्णचंद है, हमारे पास इसमत चुगता, ये बहुत बड़ी राइटर थी, वो कमाल की राइटर थी। लेकिन ये जो रियलिज्म जहाँ घुस गया रियलिटी में, वो ऐसा है कि आपको हिला देता है तेंदुलकर कपड़े। तो हम लोग ऐसा ना समझे कि हम ही हैं। वो बड़ा अच्छा शेर सरसार सैलानी का है कि चमन में अख्तिलाते, यानी कॉम्बिनेशन, रंगबू रंग से और खुशबू के कॉम्बिनेशन, चमन में अख्तिलाते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें गालिब की शायरी से बहुत कुछ सीखना है, और ये भी सीखना है कि बड़े काम कल्चरल सिंथेसिस से पैदा होते हैं। ये प्योरिटी जो लोग ढूंढते हैं वो ऐसे हैं जो प्याज के छिलके उतार रहे हैं प्याज को ढूंढने के लिए।
प्याज छिलकों ही का नाम है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि एक मर्तबा अगर जावेद साहब ने बोलना शुरू किया तो फिर किसी का चिराग नहीं जलेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। और गालिब का एक शेर जावेद साहब के लिए मुझे याद आ रहा था, और वो ये है कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत, इसे थोड़ा सा तब्दील कर देना चाहिए, देखना तकरीर की लज्जत के जो इसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। अभी जावेद साहब ने एक बहुत मज़ेदार बात कही कि गालिब जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर ज़माने में रेलेवेंट है। वट जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा उनका दीवान नहीं है, वो छोटी सी किताबचा है उनका, जिसमें मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन कोई 1900 के करीब शेर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये इन 1900 शेर जो हैं, ये लाखों शेर जो इससे पहले कहे गए, जिन पे दीवान छपे, सात सात आठ आठ दीवान लोगों के छपे, उन पे भारी पड़ जाते हैं। इसलिए कि ज़िंदगी के, जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि ज़िंदगी का हर जज्बा, ज़िंदगी का हर मसला, हर वो बात जो हम जानना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई हल वहाँ मौजूद हम मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। बात संजीदा बहुत हो रही थी, मैं थोड़ा सा उसे हटा के बात करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के मुंह का मज़ा बदल जाए। ये बात जो रेलेवेंस की है, आप उसको जो 150 साल पहले की शायरी है, 125 साल पहले की शायरी है, उसको आज के संदर्भ में अगर आप देखें, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, तो वो बिल्कुल ऐसी फिट बैठती है कि मालूम होता है कि चचा गालिब तो ये सब कुछ देख रहे थे और देखने के बाद उन्होंने ये शेर कहा है। मैं मिसाल एक आपको दे रहा हूँ कि आपने पार्लियामेंट के इजलास तो देखे होंगे, आजकल सब हर चैनल पर दिखाए जाते हैं, आपने असेंबली में भी देखे होंगे जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे को गालियां देती हैं, जिस तरीके से लीडर एक दूसरे के गरीबान पे हाथ डालते हैं, जिस तरीके से पुराने लोग नए लोगों को और नए लोग पुराने लोगों को बुरा भला कहते हैं कि अरे तुम क्या हो, तुमने तो अपने ज़माने में कुछ नहीं किया और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। अब गालिब 150 साल पहले कहता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आप पार्लियामेंट का इजलास देख लीजिए, उसके बाद ये शेर पढ़िए और कहिए कि ये शेर गालिब ने पार्लियामेंट का इजलास देख के नहीं कहा था। अभी जाज साहब ने एक शेर पढ़ा, इसी गजल का शेर है, मैं और मिसालें नहीं दूंगा, इसी गजल के दो तीन शेर आपको सुनाऊंगा। आज होता यह है कि अगर कोई हादसा हो जाए, खासतौर से जो दर्दनाक हादसे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसानों की खुदकुशी होती है, किसान ने खुदकुशी कर ली, उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठता है, कुछ लोग एक कमेटी बनाई जाती है, वो जाती है, वो छानबीन करती है, क्यों मरा था, कैसे मरा था, कहाँ मरा था, उसके हालात क्या थे, उसका ये क्या था, उसका वो क्या था, पूरी एक रिसर्च टीम जाके बैठ जाती है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में गालिब का ये शेर दोबारा पढ़िए जो अभी जावेद साहब ने पढ़ा कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। ये यहां राख कुरेदने का मतलब है जो आप जो इंक्वायरी बिठा रहे हैं वो उसके क्यों खोद रहे हो भैया, और अगर तुमने रिसर्च कर भी ली और तुम्हें मालूम भी हो गया कि वो क्यों मरा था, फाके करके मरा था या बैंक का कर्जा दे के नहीं मरा था, तो तुम क्या कर लोगे, तुमने क्या किया अब तक। सर माफी चाहता हूं, और इस शेर को उस संदर्भ में पढ़िए। आज आलम यह है कि अगर किसी लीडर का या किसी बड़े आदमी का सर पे हाथ होता है तो कुत्ता शेर की तरह गुर्राने लगता है। बकौल बम्बई वालों के मैंने बड़ा अच्छा मुहावरा सुना, मैं दिल खुश हो गया सुन के, कि केतली चाय से ज्यादा गर्म थी, तो ये केतली चाय से गर्म जब हो जाती है तो एक अजीब मंजर होता है।
और आदमी जो है वो अपने कंधे पे हाथ नहीं रखने देता क्योंकि उसके कंधे पे किसी और का हाथ होता है। अब शेर सुनिए गालिब का कि बना है शाह का मुसाहिब। मुसाहिब कहते हैं अब आज की जबान में चमचा समझ, बादशाह का चमचा बन गया है। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब आप मुझे बताइए कि चमचा गिरी के ऊपर इससे अच्छा शेर आपने सुना है क्या? नहीं सुना ना। ये शेर मैं आज सुना रहा हूं आपको 2019 में, जबकि ये शेर लिखे गए हैं तकरीबन 1760 में। तो यही गालिब की अजमत है कि वो अजीम लोग, वो अजीम शायर, वो उनकी अजमत का राज ये है कि उनका कलाम, उनकी सोच और उनकी बात बूढ़ी नहीं होती, वो वक्त के साथ साथ आपके साथ चलती है, वो आपसे बात करती है, वो आपसे कांटेक्ट में रहती है और आपको समझाती है, आपको रास्ता दिखाती है। ये बड़ी खुशी की बात है जो कुछ आज हुआ है, वो बहुत बहुत जो म्यूरल बना है ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें शामिल हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स, दूसरे लोग, तमाम लोग, इसलिए कि वो जिंदा कौमों का निशान यही होता है मेरे भाई कि जब वो अपना नया इतिहास लिखते हैं तो पुराने इतिहास को नहीं भूलते। और गालिब हमारे सुनहरी इतिहास का एक बड़ा ही खूबसूरत पन्ना है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये गालिब का इतना खूबसूरत म्यूरल बना। मैं 6 साल एमपी रहा तो हम लोगों को हर साल कुछ पैसा मिलता है कुछ करने के लिए, तो मैंने अपना सारा जो पैसा 5 करोड़ हर साल का होता है वो सारे का सारा एक ही काम में जुहू में लगा दिया। वहाँ पर कई चीज़ें बनाई, बड़ा बाग बनाया, एक एम्फी थिएटर बनाया बड़ा। उस एम्फी थिएटर का नाम हमने रखा विजय तेंदुलकर रंगमंच, इसलिए कि मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मराठी ने बहुत बड़े बड़े पोएट्स पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स पैदा किए हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिनके हाथ में ये ताकत है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि इतने बड़े बड़े राइटर और इतने बड़े बड़े मराठी के पोएट्स का न कहीं मुझे इस शहर में स्टैचू दिखाई देता है, ना उनके नाम के कोई चौराहे और सड़कें दिखाई देती हैं। पीएल देशपांडे वॉज अ जीनियस, ही वॉज अ जायंट, एक जगह कहीं उनका नाम नहीं। ये पहली चीज़ जो हमने बनाई है जिनका नाम हमने विजय तेंदुलकर के नाम, ये पहली और एक ही चीज़ है पूरे मुंबई में जो तेंदुलकर के नाम पे है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेराइट है। वो हमारा बहुत बड़ा धरोहर है, खजाना हमारा। तो हमें जहाँ हम बाकी लोगों को इज्जत देते हैं, हम अपने बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस को जो आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको इज्जत मिलनी ही चाहिए, उसमें कोई गिला नहीं है। हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें बड़ा ग्लैमर होता है, लेकिन जो हमारे राइटर हैं अलग अलग भाषाओं के, और महाराष्ट्र में अगर मराठी राइटर को इज्जत नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी भाई। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए काम, और मुझे ऐसा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ और नम्रता के साथ कि इस शहर में एक बहुत बड़ा स्टैचू तेंदुलकर का और एक बहुत बड़ा स्टैचू पीएल देशपांडे का होना ही चाहिए। अब देखिए, हम तो जो बोलना था बोल चुके, अब इसके आगे जो है वो शायद यहाँ बोलना ठीक नहीं, कहीं और जाके बोलेंगे। तो अब एक और चीज़ होती है आजकल, एक Q&A एक चीज़ हो गई है, ये हर चीज़ को शॉर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन था अंतर को कहा जाता है Q&A, हर लफ्ज़ शॉर्ट हो गया आजकल। मैं भी दिल्ली में था तो एक लड़की दूसरी लड़की के दुपट्टे की तारीफ़ कर रही थी, तो कह रही यू आर वेरिंग अ नाइस डुप। अरे भैया पट्टा भी साथ में बोल देती क्या कयामत आ जाती। तो वो हर चीज़ शॉर्ट कर देते हैं ये ट्विटर के ज़माने में। हाँ, तो ये जो है ये Q&A, मैं चाहूँगा कि एक माइक ज़रा आप ऑडियंस को दे दीजिए और एक दो सवाल वहाँ से आने दीजिए।
हम लोग एक में गुजारा कर लेंगे, हम लोग एक नाम में गुजारा कर सकते हैं तो एक माइक में क्यों नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, और मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ आपको अपने सामने देखकर। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, मेरा नाम कंचन चौधरी है, मैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ और मेरे साथ पूरी आरजेएस की टीम भी आई हुई है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी ऑल इंडिया रेडियो पर भी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। जावेद सर, दोनों जावेद सर से मैं बात कर रही हूँ अभी, और जावेद अख्तर साहब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। उर्दू बहुत ज़्यादा, हिंदी की अगर हम बात करें मुंबई शहर में, मैं दिल्ली से वैसे पैदाइश मेरी वहीं की है, पर जब हम मुंबई में बात करते हैं तो यहाँ की हिंदी भी मुझे समझ में नहीं आती है, उसमें काफ़ी बहुत ही नॉर्थ इंडियन से थोड़ा सा अलग ही होता है जब हम भी बात करते हैं क्लैरिटी की, स्पीच की। और मैं हिंदी आरजे हूँ तो मैं हिंदी में ऑफकोर्स न्यूज़ और समाचार पढ़ती हूँ, और मुझे फिर भी लगता है कि मैं पीछे कहीं रह जाती हूँ, और उर्दू तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम कुछ आज के स्टूडेंट्स युवा या इनके लिए कितना ईजी या एक्सेसिबल बना सकते हैं, उसके लिए सर आपसे ये सवाल। बैठिए, पहले तो मुझे हैरत हुई कि आपने कहा कि मुंबई में तो बात करते हैं हिंदी में भी बात करते हैं, समझ में दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपकी समझ में आती है? भैया आप तो बड़ी कमाल की हैं। देखिए, उर्दू का एक अजीब चक्कर हो गया, ये भी रियलिटी है। मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपकी समझ में आ रहा आप समझ रही मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जब समझ में आना बंद हुआ तब कहती ये तो उर्दू बोल रहा है। ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप ये जो बोली है ना अभी अभी जितनी आपने बात की है, ये हिंदी भी है और उर्दू भी है, तो आप तो बोल रहे थे उर्दू, और क्या होती है उसको। तो ये उर्दू जो है ये नहीं चलने वाली, ये भी उर्दू है और वो भी हिंदी है कि एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त गरा कंदरा उपजित उषण पे प्रदान करो। आपको मालूम है मैंने हिंदी में क्या कहा है? एक प्याली चाय दे दो। तो ये आर्टिफिशियल जबाने छोड़िए, जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं वो है हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिली हुई बोलते हैं। अब आप उसे देवनागरी में लिख देती हैं तो आप कहती हिंदी हो गई, उसे आप फारसी रस्मुल ख़त में लिख देते हैं तो उर्दू हो गई। रस्मुल ख़त इतनी इम्पोर्टेंट, ये जो है ना स्क्रिप्ट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। पंजाबी तो तीन जबानों में लिखी जा स्क्रिप्ट में लिखते हैं, गुरुमुखी में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं और उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, मगर वो पंजाबी ही रहती है। और अगर आप ये पोस्टर लगा होता है KUCH KUCH HOTA HAI कुछ कुछ होता है, तो अगर ये रोमन वर्ल्ड में लिखा तो क्या इंग्लिश है? हिंदुस्तानी है।